तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट 5-10 मिनट्स और एक टॉपिक लेफ्ट रह गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 100% कंप्लीट रहेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को, इसमें क्या है कि आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर टेबल 3.1 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पेज नंबर 71 पेज नंबर 71 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, ये टेबल क्या है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यही जो अपना पार्ट जो थोड़ा सा लेफ्ट रह गया है उसको आज कंप्लीट करेंगे। ये टेबल में क्या दे रहा है, टेबल 3.1 जो है एनसीईआरटी में टेबल 3.1, ये बेसिकली इस टेबल में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं, इस टेबल में आप देखिएगा कि कौन सा एसआरपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0, इसीलिए 0 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही किसी भी इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल बताते हैं, राइट। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये जिस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं, राइट, सेम उसी तरह से यहाँ ये भी क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे जैसे टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इसमें क्या दिया है, इसमें उल्टा दिया, इसमें उल्टा दिया, इसमें उल्टा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया, राइट, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़े हैं, राइट, कोई उससे बाहर उसको पलट देना बात बराबर ही है। तो बुक में दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन भी हम लोग स्टडी करते हैं उनके, ये बुक में क्या दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो सबसे ऊपर में जैसे मान लीजिए सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का है। लिथियम क्या करेगा, रिडक्शन के करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस करेगा या इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, उसको गेन करने की क्षमता, कैपेसिटी कम है। मीनिंग समझना जरूरी है, व्हाट इज द मीनिंग, टेबल देख कर रटना वो सब कोई मज नहीं, इसका मतलब क्या है, हम मैं बोल रहा हूँ कि ये जैसे पहला में हम लोग ले लेंगे रिएक्शन जो होगा टेबल में, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रोड पर, रिप्रेजेंटेशन, थर्ड हम लोग रखेंगे एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा एसआरपी। तो जैसे लिथियम है, लिथियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम रिडक्शन कर रहा है, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर लिथियम बनाया, ठीक है, प्लस वन से जीरो गया, रिडक्शन हुआ। क्या किया हम लोग कि लिथियम प्लस जो है सबसे कम वैल्यू, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पर, लिथियम ई, लिथियम प्लस गोज़ टू लिथियम। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ई नॉट जिसको हम लोग लिखते हैं, लिथियम प्लस गोज़ टू लिथियम, इसका वैल्यू है -3.05, इससे किसी का कम नहीं हो सकता है, इससे सबसे कम लिथियम का होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, -3.05 से कम किसी भी इलेक्ट्रोड का नहीं हो सकता है,
सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का है। क्लियर? ये दिमाग में पहले सेट करने का है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड एज ए लेमैन? एज ए लेमैन कि रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, लिथियम प्लस कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन। रिडक्शन उसी को बोलते हैं जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं उसको रिडक्शन बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन, राइट? और जहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा यानी गेन करेगा उसको रिडक्शन बोलते हैं। यहां पर लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यदि मैं बोल रहा हूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बहुत कम है यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह नहीं रहा। इसकी टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन करने की मैक्सिमम। इसकी टेंडेंसी है क्या है? ऑक्सीडेशन करने की मैक्सिमम टेंडेंसी है। यदि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सबसे कम का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बहुत कम है, ये लेना नहीं चाह रहा है। तो ज्यादा क्या, दो ही प्रोसेस है, या तो रिडक्शन हो गया या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कम होगा तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो रिडक्शन कम होगा, रिवर्स है। तो इसको मीनिंग को समझना जरूरी है, टेबल रटना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंफ्यूजन के लिए मीनिंग समझना जरूरी है कि क्या है, क्या ये दे रहा है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे कम किसका है? लिथियम का है। क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर क्या रहा है? हर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़े हैं। लिथियम ऊपर में क्या होता है? मेटल से रहते हैं, बीच में फिर हाइड्रोजन आता है रिएक्टिविटी में, फिर कॉपर सिल्वर लास्ट में। वही जो हम लोग नाइन्थ क्लास में आया था, नाइन्थ क्लास में था रिएक्टिविटी सीरीज, उसी चीज को नाइन्थ या टेंथ में होगा उसी चीज को हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वहां पर हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं गए थे, बस रिएक्टिविटी सीरीज देख लिए थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी लिथियम का बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ा। दूसरा, जैसे सारे को रटने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मीनिंग समझना दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या कि नेट में जो क्वेश्चन आएंगे या जेई मेंस से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप मान लो नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे जेड एन प्लस टू, ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, प्लस टू और चार, दो इलेक्ट्रॉन लेकर जेड एन बना दिया। और सिंबल में कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जेड एन प्लस टू गोज टू जेड एन, यही सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। इसका वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट। ये सब डाटा दिया रहेगा, सिर्फ सबसे कम वो याद रखने का है, सबसे ज्यादा वाला को याद रखना है, बीच में हाइड्रोजन का जीरो होता है। और थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी सीरीज में दिमाग में सेट रखना, मेटल सब हाइड्रोजन से ऊपर रहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में और बाकी सारा नीचे। हम लोग उसी ऑर्डर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आप लोग पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, मैं उसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ मैं, लेकिन उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, टॉप से टॉप रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे हम लोग चलेंगे। फिर उसी तरह से जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन ये भी क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेकर Fe बना देगा, रिडक्शन हो गया, यहाँ भी प्लस टू से जीरो गया। E नॉट इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Fe प्लस टू गोज टू Fe, इसका वैल्यू है माइनस 0.45 वोल्ट। तो हम क्या देख रहे हैं? रिडक्शन वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो बेटे, निगेटिव साइन है ना, माइनस 3.05 सबसे कम लिथियम का, उसके बाद वैल्यू जैसे जैसे निगेटिव में वैल्यू कम होने वाले वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन सिंगल टू एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए H2 के फॉर्म में लिखते हैं, H2 यहाँ 2H2E। और सिंपल रिप्रेजेंटेशन E0 हाफ
इधर H प्लस लिखते हैं, H प्लस गोज टू हाफ H2 या 2H प्लस H2 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, 2H प्लस ऑब्लिक H2 भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो इसके ऊपर क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, नेगेटिव है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम का मतलब क्या होगा, ज्यादा का मतलब क्या होगा। जैसे जैसे बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, मीनिंग यही है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब दो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। वैल्यू से मतलब हमको इंक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ते जा रही है। हाइड्रोजन का जीरो का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसकी कोई कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लेने न देने की कोई कैपेसिटी नहीं, जीरो। यानी वोल्टेज इसका जीरो आने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है जीरो है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी कैपेसिटी इसकी जीरो है हाइड्रोजन का, राइट। ठीक है, अब इससे आगे बढ़े हम लोग, हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर है, तो हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर ऑलमोस्ट मेटल वाले हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में भी आपको याद होगा, लिथियम सोडियम पोटासियम इस तरह से हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम, वो सारे हाइड्रोजन से ऊपर थे। रिएक्टिविटी सीरीज कहने का मतलब रिएक्शन फास्ट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, तो मेटल की सबसे ज्यादा होती है। ऑलरेडी हम लोग 11th में भी पढ़े थे, पीरियोडिक टेबल में सबसे फास्ट जैसे सोडियम है, पोटासियम है, ये सब बहुत फास्ट है, मैग्नीशियम है, वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करने का मीनिंग क्या था, कि जो ऊपर में थे उसके रिएक्शन करने की स्पीड बहुत फास्ट था, नीचे जैसे जैसे जाते हैं स्पीड धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। यहां पर अब क्या हो गया, हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ई नॉट कॉपर प्लस टू गोज टू कॉपर, और इसका वैल्यू है करीब 0.34 वोल्ट। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर सारे नेगेटिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे सारे पॉजिटिव हैं, हाइड्रोजन से ऊपर सारे नेगेटिव हैं और हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव हैं, ठीक है। जैसे जैसे सिल्वर लेंगे, सिल्वर का भी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर बनाते जा रहा, ई नॉट सिल्वर गोज टू सिल्वर, और इसका वैल्यू है करीब 0.80। सबसे ज्यादा किसका है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो याद रखना है, फोल्डरिंग का सबसे ज्यादा किसका है, फोल्डरिंग का होता है माइनस F2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर F माइनस बनाता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी का है, E नॉट F2 गोज टू F माइनस। यहां भी देखिए जीरो से माइनस वन रिडक्शन, और हाँ यहाँ हाफ कर देंगे या तो 2F कर देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं, और इसका वैल्यू आता है 2.87 वोल्ट। यानी इस पूरे टेबल में हमें क्या ध्यान देना है, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का होता है, सबसे ज्यादा फोल्डरिंग का होता है, उसके बीच में सारे। और जो मेटल है वो मेटल, हम मोस्टली मेटल का क्या देख रहे हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या देख रहे हैं, निगेटिव, और हाइड्रोजन जीरो है उससे नीचे सारे पॉजिटिव, जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो सारे पॉजिटिव, जो रिएक्टिविटी ज्यादा है वो सारे निगेटिव, ठीक है। तो मतलब तो ये तो समझ में आ गया भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब, सबसे ज्यादा इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की, अपने को रिड्यूस हो गया। और अनदर वे क्या कहते हैं, इसकी टेंडेंसी रिडक्शन करने की सबसे ज्यादा है, रिड्यूस होने की कैपेसिटी ज्यादा है, राइट। यहां पर बच्चे कंफ्यूजन कहां होते हैं, वो चीज आपको एक्सप्लेन करने का है।
अनदर वे टेक्निकल टर्म और क्या बोल सकते हैं, लिथियम का सबसे कम रिडक्शन है, रिड्यूस होने की कैपेसिटी सबसे कम है, और इसका ज्यादा वैल्यू होने का मतलब रिडक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो जो अपने आप रिड्यूस हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन ये आया है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे अनदर लेमैन जैसा बात कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन इसके जो आ रहे हैं, सबसे इसको यानी गेन करने की कैपेसिटी तुरंत पकड़ लगा इलेक्ट्रॉन, वो देने वाला भी तो होगा, देने वाला होगा तभी तो गेन करेगा फास्ट। तो जो देने वाला होगा उसको ये क्या करेगा, जैसे कैटलिस्ट क्या काम करते थे, रिएक्शन को फास्ट कर देते। कैटलिस्ट का क्या काम था, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना। उसी तरह से यहां भी क्या देखना है, जैसे क्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा है, दूसरे पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ये लेगा उसको क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन उसका ज्यादा होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अपने तो रिडक्शन रिड्यूस हुआ, लेकिन दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे कैटलिस्ट काम करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। उसी तरह से क्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड अनदर तरीके से और क्या समझ सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा किसका, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो किसी से लेगा ना, जिसको जिससे ये लेगा वो क्या कर रहा, लूज किया ना इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन किया, जीरो से वन गया, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन लूज किया, मान लेते हैं एक दिया हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या के बी जो है फ्लोरीन, बी ये क्या कर, ये इलेक्ट्रॉन लेगा बी प्लस, ये क्या किया, रिडक्शन किया। तो जब बी का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, यानी इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी इसकी सबसे ज्यादा है, तो कोई देने वाला कौन है, ये देने वाला क्या हो रहा है, इसका काम ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बी ए को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बी ए को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेस्ट जैसे सबसे ज्यादा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब और क्या बोलेंगे, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है। जैसे टिकट कराते हो तो आप क्या करते हो, एजेंट ढूंढते हो, जल्दी रिजल्ट जल्दी मेरा पास आराम से टिकट मिल जाए। तो एजेंट क्या करा, सर्विस प्रोवाइड किया आपको, एजेंट क्या कर रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा कि आपको सर्विस तुरंत फास्ट हो जाए। तो उसी तरह से ये क्या काम कर रहा, एजेंट का मतलब ये ऑक्सीडेशन करने का, ये बीच में दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा। जब भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देने वाले को क्या करेगा भाई, ऑक्सीडाइज करेगा। अब जैसे मुझे पैसा चाहिए तो कोई देने वाला होगा तभी तो मिलेगा, तो देने वाला को क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब मुझे सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है तो भाई पैसा देने वाला भी हैवी होना चाहिए। यदि मुझे 1,00,000 के लिए जाए तो भाई 1,00,000 देने वाला भी तो कोई होगा, तो जो देने वाला होगा वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, राइट। तो क्लोरीन को हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहेंगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नीचे जैसे जैसे यहां पे आ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। और क्या मीनिंग समझिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैल्यू, यदि आपसे पूछे सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू देखिएगा किसका ज्यादा है। यदि ऑब्जेक्टिव में आपके दे दिया 2-3 सबका वैल्यू दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि उसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो क्या कैसे चेक कीजिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू देखिएगा किसका सबसे ज्यादा होगा, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इट मीन्स ये तो SRP तो इंक्रीज कर ही रहा है, और वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, क्लोरीन। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पर, कोई डाउट, ये समझना बहुत जरूरी है इस टेबल में।
अब इसका थोड़ा रिवर्स आप सोचे, नीचे से ऊपर जो बुक में दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ है, अब बॉटम से हम टॉप पे जा रहे हैं। बॉटम से टॉप पे जाने का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, एसआरपी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो एसआरपी का यहां डिक्रीज करने का मतलब यानी लिथियम पे आ जाए हम लोग, क्योंकि इसी के बीच में सारे रहेंगे। लिथियम का सबसे कम एसआरपी है, यानी डिडक्शन करने की कैपेसिटी इसकी कम है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बहुत कम है, तो जो देने वाला भी होगा वो भी कम होना चाहिए। तो देने वाला कम होने का मतलब क्या होगा? उसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा रिडक्शन। अंडरस्टूड बेटे? ये यदि इसका एसआरपी सबसे कम होने का मतलब ये रिडक्शन होना नहीं चाह रहा है, ये चाह रहा ऑक्सीडेशन होना। लेकिन यदि हो रहा है तो दूसरे को दूसरे पे क्या इंपैक्ट डालेगा? उसका रिडक्शन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाएगा। तो लिथियम को हम और क्या बोल सकते हैं? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दूसरे को अच्छा रिड्यूस करेगा, दूसरे को अच्छा रिड्यूस करेगा। तो लिथियम को हम क्या बोलेंगे? एसआरपी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो क्या देखोगे? जिसका एसआरपी का वैल्यू सबसे कम है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब वो क्या होगा आपका? उसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, और वी कैन से जिसका ऑक्सीडेशन सबसे कम हो, ये भी कह सकते हैं। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब यानी जिसको वो कर रहा है रिड्यूसिंग, रिड्यूस कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन सबसे कम हो, रिडक्शन की ज्यादा कैपेसिटी है। तो ये लिथियम को और क्या हम बोल सकते हैं? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बेटे। तो इस टेबल में हमने क्या देखा कि लिथियम का सबसे कम एसआरपी है और सबसे ज्यादा फॉलोइंग का है। फॉलोइंग को हम लोग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा बहुत अच्छी तरह से, और लिथियम का सबसे कम है, इट मीन्स दूसरे को रिड्यूस करेगा अच्छी तरह से, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यदि प्रॉब्लम आपसे पूछता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको कर लेते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है x, y, z, जिसका SRP दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, SRP 0.52 वोल्ट माइनस 3.03 वोल्ट एंड माइनस 1.18 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें? तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन का वैल्यू सबसे कम हो। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब सबसे कम वैल्यू हो। तो सबसे कम वैल्यू के लिए देखिए तो वाई का है, नेगेटिव में ना, सबसे कम, तो सबसे कम y का, उसके बाद z का, फिर x का, राइट बेटे। उसी तरह से मेंस में, ये तो नीट में था, ये मेंस में पूछे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ए नॉट CR3 क्रोमियम, ये कितना वैल्यू दिया हुआ? -0.7 वोल्ट। E नॉट CR2O7
माइनस टू गोज टू सी आर प्लस थ्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.33 वोल्ट, ई नॉट एम एन ओ फोर माइनस एम एन टू प्लस 1.51 ई नॉट सी एल माइनस गोज टू सी एल, सी एल गोज टू सी एल माइनस 1.36 वोल्ट। इसमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू। अच्छा, तो देख के ही लग रहा है 1.51, लेकिन ये कि यहाँ संवैधानिक बरतना क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है कि ये एक बार इसको चेक कर लें, यहाँ तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का, यहाँ भी कोलिन का दिखाई दे रहा है जीरो से माइनस वन रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर पता अभी नहीं चल रहा है क्योंकि एम एन ओ फोर माइनस वन का है, माइनस वन है, तो एम एन क्या क्या है ऑक्सीडेशन नंबर वो देखना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, एम एन ओ फोर माइनस वन दिया हुआ है, इसका एक्स मान लेते हैं मैग्नीज का, ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, एक्स ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू एट माइनस वन यानी सेवन, प्लस सेवन से प्लस टू डिडक्शन सही है। उसी तरह से इसको भी चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, क्रोमियम क्या है सी आर टू ओ सेवन माइनस टू, तो सी आर को मान लेते एक्स टू एक्स हो गया, ऑक्सीजन सेवन है तो सात नीचे होता और ये माइनस टू, टू एक्स इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू यानी सेवन सॉरी सॉरी ट्वेल्व, एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स यानी प्लस सिक्स से प्लस टू, ये भी सही है रिडक्शन दिया हो, तो ये चेक कर लेना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि हमें चेक देखना होगा भाई स्टैंडर्ड एसआरपी का वैल्यू किसका ज्यादा है। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन आएंगे और देखें भाई इस टेबल का और क्या यूज है अपना। दूसरा चीज ध्यान दें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग देखे हैं कि किस टाइप का रिएक्शन करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के लिए हम ईएमएफ ऑफ सेल का कंडीशन क्या देखे थे, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जब बैटरी से पॉजिटिव रहेगा तभी करंट का फ्लो होगा, निगेटिव होने पर ईएमएफ सेल का वो काम नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें तो जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा कि नहीं देगा वो किस कैसे पहचानते हैं हम लोग, ईएमएफ ऑफ सेल यानी ई सेल का जो वैल्यू हम निकालते थे यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल जो मैं निकालता था क्या था अपना ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही था, इसी को ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते थे हम लोग, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या देखे थे कि इसका वैल्यू ईएमएफ जो है इनॉट सेल का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब इनॉट कैथोड का वैल्यू इनॉट एनोड से ज्यादा होगा, इनॉट कैथोड का वैल्यू जब इनॉट एनोड से ज्यादा होगा तभी हुआ। और किस तरह का है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये सारे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं,
आईपीसी बोलता है कि कंफ्यूज मत होइए, आप प्रोडक्शन लेके चलिए सब जगह। तो यहाँ से यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हमें भाई इंफॉर्मेशन और क्या मिल रहा है कि कैथोड का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, यानी थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग यूज करते थे, ये क्या था अपना, और ये इलेक्ट्रो, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एनोड, एनोड और इधर कैथोड, इसी तरह से था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते थे। ध्यान देने की बात क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ता था और नेगेटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ता था, इस पर माइनस इलेक्ट्रॉन्स आते थे, इस पर प्लस चार्ज, ये दिमाग में इस तरह से सेट रहना चाहिए। तो यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कैथोड, कैथोड का पोटेंशियल यानी इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा होना चाहिए, कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तभी स्पॉन्टेनियस कल आएगा। तो हम जो अभी सीरीज पढ़े एसआरपी का, तो ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर कैथोड में किससे किसको रखेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर वाला को कि हाइड्रोजन से नीचे वाले को, नीचे वाला का एसआरपी ज़्यादा है, क्या है कंडीशन आया, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह का है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, इट मीन्स कैथोड का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो जो यहाँ कैथोड पे जो रॉड लेंगे, इलेक्ट्रोड जो सेलेक्ट करेंगे, वो क्या होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए, और सीरीज में जो सीक्वेंस है ऊपर वाला हाइड्रोजन से ऊपर वाला एनोड पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे हम देखें पॉजिटिव है और हाइड्रोजन से ऊपर निगेटिव है, ये कोई नहीं, यानी ज़्यादा वाला होना चाहिए, ज़्यादा हम देख लिए टॉप से नीचे गए मेटल से, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं नीचे वो एस आर पी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो उस सीरीज से ये भी पता चल जाएगा हमें कि किसको कैथोड लेना है, किसको एनोड लेना है, आराम से मालूम चल जाएगा, जिसका एस आर पी वैल्यू ज़्यादा होगा उसको कैथोड ले लेंगे, और जिसका एस आर पी का वैल्यू कम होगा उसको एनोड ले लेंगे, उसको हम लोग एनोड ले लेंगे, राइट। ये किससे इंफॉर्मेशन, इससे भी मालूम चल जाएगा किसको कैथोड लेना है, किसको एनोड लेना है, ठीक है। तो इतना है इंफॉर्मेशन हम लोग को इस टेबल से मिलेगा। तो समरी अप कर ले, क्या क्या मिला, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका हम देखें, लिथियम का होता है, राइट। उसके बाद सबसे ज़्यादा एस आर पी किसका है, आपका फ्लोरीन का है, सबसे ज़्यादा एस आर पी का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी काम करेगा, मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी वो अपने खुद एजेंट बन गया, अपने रिड्यूस हो गया, लेकिन किस तरह का एजेंट बना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए। फ्लोरीन का ये आपका लिथियम का सबसे कम है, तो वो दूसरे के लिए क्या बन गया, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इस टेबल से मिल गया, इस तरह से अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हुआ। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, यानी वो अब जस्ट उल्टा सारा कहानी पढ़ना चालू करेंगे, सारे उल्टे कहानी पढ़ना अब चालू करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेक्स्ट अपना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिक थोड़ा उसका पढ़ लेते हैं। तब नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो अभी तक पढ़े अब उसका रिवर्स प्रोसेस लेना है, जो अभी पढ़े इसका न्यूमेरिकल पार्ट इसको करने के बाद वो कर लेंगे कंडक्टेंस वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते थे, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता था, सेल जो कहते थे उससे हमें करंट कैसे मिलता था भाई, तो केमिकल रिएक्शन होता था उससे करंट मिलता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल रिएक्शन कराना है, क्योंकि ये किस टाइप के रिएक्शन को कराएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस,
जो केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देकर केमिकल रिएक्शन कराएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ना जो अपने आप खुद रिएक्शन नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और केमिकल एनर्जी मिलेगा। केमिकल रिएक्शन होने से क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता था। यहां पे क्या होगा भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, रिएक्शन अपने आप वो नहीं कर सकता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है वो, या स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है जो कि अपने आप को रिएक्शन नहीं करते हैं, उसको एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट देकर केमिकल रिएक्शन को कराएं। दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज को अंडरस्टैंड करना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह डिफरेंस मिलेगा। बाकी जो वहां पर एनोड को हम लोग बोलते थे एनोड एंड ऑक्स, ऑक्सीडेशन एट एनोड, कैथोड को रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, वो सारा लॉजिक सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ आना है इस चीज को ध्यान देने का है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया कि ये आपका एनोड था, ये कैथोड था। कैथोड जो है टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, और एनोड किससे कनेक्ट था, बैटरी के सेल के जो बैटरी लगा रहे थे उसके नेगेटिव टर्मिनल से। अभी जस्ट पहले बताया था। यहां पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट, सिर्फ यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे, ये आपका हो गया थोड़ा सा, ये यदि एनोड लेते हैं, ये कैथोड यदि रॉड लेते हैं, तो एनोड वाला क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यही डिफरेंस है। एनोड वाला जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और कैथोड वाला जो होगा नेगेटिव टर्मिनल से, यही डिफरेंस है दोनों। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, ध्यान देने की बात है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकलता था, जिंक लेते थे ना, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डैनियल सेल, तो क्या करता था डैनियल सेल कि सॉल्यूशन यहां से जिंक रॉक टूटकर ZN प्लस टू में चला जाता था, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता था रॉड पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या था वायर मिल गया, आगे बढ़ा और कॉपर प्लेट पे डैनियल सेल में चला जाता था, राइट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रहते थे, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको बस उल्टा रखेंगे, एनोड पर एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट देंगे सेल को, यहां से क्या रहा था, केमिकल रिएक्शन से करंट निकल रहा था, बन रहा था, यहां क्या है सेल को हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है, इसीलिए ये बैटरी को रिवर्स करेंगे, बैटरी को रिवर्स, यहां से करंट इसमें जाएगा अंदर, और इस केस में क्या था, करंट बनना था, तो हम क्या जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा बाहर निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से हम पढ़े ना रेजिस्टेंस में, जो इसके बड़ा डंडी जो होता है पॉजिटिव से करंट का बाहर निकलना एक्चुअल होता नहीं है, बैटरी वो सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, वो सिर्फ क्या करता है पावर प्रोवाइड एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, लेकिन एज ए लेमैन जैसे हम लोग क्या जानते हैं बड़ा डंडी से करंट निकलता है। तो जब बड़ा डंडी से करंट निकलता है तो बड़ा करंट तो अब इसको देना है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो उल्टा काम करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है यानी करंट देना है, तो करंट इस रॉड को देना है एनोड पर, तो क्या करेंगे ये बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, राइट।
इस तरह से आप याद नहीं रह सकते हो, बच्चे कंफ्यूज रहते कौन है क्या है। यहाँ हमको एक करंट देना है एनोड को, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर करंट निकालना है इसलिए कैथोड वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। यही बेसिक है। बाकी यहाँ पर एनोड पर जैसे ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर आपका रिडक्शन होता था, यहाँ भी रिडक्शन होगा। वो सारे लॉजिक सेम रहेंगे, राइट बेटे, वो सारे लॉजिक सेम रहेंगे। चले तो ये बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी था। अब आगे बढ़ें कि अब क्या हो रहा है इसमें भाई, क्या कराना है, केमिकल रिएक्शन कराना है, हमें केमिकल रिएक्शन कराना है, ठीक है। रॉड जनरली हम लोग लेते हैं प्लेटिनम का, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन को ब्रेक करना है ना, सॉल्यूशन में जो है उसको उसका रिएक्शन कराना है, रॉड से तो ज़्यादा लेना देना है नहीं। तो जनरली हम लोग 80-90% क्या कोशिश करते हैं, उस तरह का आइसोटोप कंसीडर करते हैं जो इनर्ट हो, जो हमको तो इसमें जो सॉल्यूशन है उसका उसको रिएक्शन कराना है ना, रॉड का तो थोड़ा रिएक्शन कराना है। यदि रॉड ले लेंगे, एक्टिव ले लेंगे, एक्टिव एलिमेंट ले लेंगे, जैसे कॉपर ले लिए या जिंक ले लेंगे, तो वो पहले अपने आप रिएक्शन करेगा, इसको क्या कराएगा, पहले सब कोई अपना देखता है ना। अब जैसे है पैसा मिलना है तो पहले हम अपना लपकेंगे, पहले की सोचेंगे ओकरा पैसा नहीं है तो ओकरा पहले लाइन में आगे लगा देंगे, पहले हम अपना ले लेंगे तब देखेंगे, सब कोई अपना सोचता है। तो यदि ये एक्टिव रॉड ले लेंगे तो ये खुद अपने रिएक्शन करने लगेगा अपने आप, सॉल्यूशन का तो जो केमिकल रिएक्शन बाद की बात है। तो इसीलिए जनरली यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या समझना है, ये रॉड किस तरह के होंगे, इनर्ट रहेंगे, जैसे प्लैटिनम हाइड्रोजन में यूज किए थे हम लोग प्लैटिनम रॉड, तो प्लैटिनम ये रॉड ले लेंगे, इनर्ट ले लेंगे, ठीक है। अब कौन इसमें सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड तो डिसाइड हो गया, दोनों हो सकता है, यदि नहीं इंफॉर्मेशन दिया तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, और यदि दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, उसको देखेंगे फिर क्या उसका करना पड़ेगा। तो ये तो इलेक्ट्रोड की बात हो गई भाई, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले लेंगे। अब कौन सा रिएक्शन जो नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं करेगा, या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं करेगा, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं करेगा अपने आप को रिएक्शन, जैसे सोडियम क्लोराइड जो भी हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो उस तरह के जो है उसी उसी का सॉल्यूशन लेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, ध्यान देने की बात, ये जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं इसमें करंट इजीली फ्लो होगा, ये जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में करंट आयन में टूट जाएगा ना, करंट उसमें आसानी से फ्लो करेगा। तो ये सारे के सारे जितने इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोले या सॉल्यूशन बोले, सॉल्यूशन का मतलब बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर किस तरह का होगा, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, यानी जो केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता अपने आप, स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप नहीं करेगा, या स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट किससे बनेगा, ये दोनों से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाएगा। तो मोस्टली हम लोग स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का भी डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी ये करंट यहां से जाएगा तो उसमें फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। और ये बकेट जैसा जो ले रहे हैं डब्बा, ये क्या होना चाहिए भाई, ये भी इंसुलेटर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि करंट दे रहा है ना, हम चेक करने का इसी में कहीं चिपक गए, तो ये डब्बा जो रहेगा वो डब्बा का किस तरह का नेचर होना चाहिए, इसमें करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चा से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपका उंगली चिपका इसी में चिपक कर रहा है। तो ये डब्बा किस तरह का होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग, ये डब्बा किस तरह का होना चाहिए,
ये टैंक जो लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये किस तरह का होना चाहिए, प्लास्टिक का डब्बा उब्बा ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए सेफ्टी के लिए, नहीं तो करंट मार देगा। हम एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, अपने चिपक जाएंगे उसी में, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो करंट दे रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइट बम क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, तो डेफिनेटली ये प्लास्टिक डब्बा होना चाहिए। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हम समझ गए, बेसिक चीज कि भाई इलेक्ट्रोड से आना होना चाहिए, सिर्फ एक ही ध्यान देना है एनोड इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव बैटरी से करेंट, क्योंकि उसमें करंट जाना चाहिए, इस तरह से याद रख सकते हो, करंट देना है इसलिए एनोड वाले को पॉजिटिव बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन यहाँ भी होगा, रिडक्शन हो गया। सॉल्यूशन किस तरह का लेना है, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे क्या मसला आया कि भाई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, इलेक्ट्रिक करंट कैसे केमिकल रिएक्शन कराएगा, ये देखना है। मान ले फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज और ध्यान देने की बात है, इसको ऊपर से मैं मिटा देता हूँ बेटे, डब्बा को किनारे बना देता हूं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या कि देखे हम लोग, वहां पर दोनों देखे थे अलग अलग लिए थे, याद है ना, डेनियल सेल दोनों का डब्बा अलग अलग था, साल्ट बेस था, इसमें एक ही में सारा काम कर रहे हैं, वहां दोनों अलग अलग लिए थे, यहाँ पर एक ही डब्बा में एनोड भी है और कैथोड भी है, ठीक है। जस्ट वन फिर से फटाफट कर ले, जितना बार बनाइएगा उतने फंडा क्लियर, ये हो गया, इसको जो दिए पॉजिटिव टर्मिनल से, ये हो गया, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है। एनोड होने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब इस रॉड पे, रॉड किस तरह का लेंगे, जनरली इनर्ट लेंगे, इनर्ट प्लैटिनम, कंडक्टिंग भी ले सकते हैं यानी एक्टिव भी ले सकते हैं, लेकिन एक्टिव के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद अपने आप पहले रिएक्शन करने लगेगा, तो जब तक कुछ नहीं दिया हो तो इनर्ट ही, आप समझिए, जब दिया रहेगा उसको भी देखेंगे, तो इलेक्ट्रोड इनर्ट ले लेंगे कि दूसरे से केमिकल रिएक्शन, उस पर रॉड पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, इसीलिए लेते हैं इनर्ट रॉड, जब हाइड्रोजन वाला में जो हम लोग कंसिडर किए थे। अच्छा, सॉल्यूशन की मान लो सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ये भी दो तरह के नेचर के हो सकते हैं, मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब उसको थोड़ा सा पिघला देंगे, या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसमें वाटर डाल देंगे, मोल्टेन स्टेट बोलने का मतलब उसमें कोई वाटर नहीं रहेगा, ये ध्यान देने की बात है, सिर्फ उसको हीट करेंगे, गर्म करके हल्का पिघला देंगे, उसमें हाइड्रोजन वाटर नहीं रहेगा, एच आयन नहीं रहेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट वाला लेने की बात करेंगे, कहने मतलब उसको सिंपली हीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, हीट करने से सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ब्रेक हो जाए, मोल्टेन, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, आइदर मोल्टेन स्टेट या एक्वस। एक्वस कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड तो टूटेगा ही, यानी सोडियम क्लोराइड को कौन तोड़ रहा है, वाटर, किसी चीज में मान लो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है उसमें आप वाटर डालिएगा तो क्या करेगा, उसको सोडियम क्लोराइड को पोलराइज करेगा, यहाँ एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर ही डाइलेक्ट्रिक जैसा काम करता है, पोलराइज करता है, डाइलेक्ट्रिक पर तो अभी हाल में डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, पोलराइज करता है, तो वाटर क्या है, पोलराइज जैसे एक्वस सॉल्यूशन में कहने मतलब पोलराइज जैसे है, डाइलेक्ट्रिक जैसा काम करता है, सोडियम क्लोराइड को पोलराइज कर देगा, यानी Na प्लस और Cl माइनस भी कर देगा, यहाँ कोई हीट देने की जरूरत नहीं, वाटर ही तोड़ देगा। और दूसरा चीज क्या रहेगा भाई,
जो वाटर डाले हैं तो वाटर वो तो टूटेगा एच प्लस और एच माइनस में। यहाँ पर खेला का हो गया दो कैटायन है, दो एनायन भी है, इसमें एक ही कैटायन एनायन है मोल्टेन स्टेट में। तो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा ज़्यादा, जब एक को सोल्यूशन लेंगे भाई किसकी प्रायोरिटी देंगे, दो में से एक ही को सेलेक्ट करना है ना, इनाम एक ही को देना है, तो भाई कौन देगा वो देखेंगे किसको इनाम देंगे। इसीलिए सीरीज अभी आज पढ़ाया हूँ, सब सीरीज का अब खेला चलेगा, राइट ठीक है। चलो तो ये चीज़ें समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे वो दो तरह का हो सकता है नेचर में, मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है और एक्वस सॉल्यूशन लें, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया। मोल्टन स्टेट में रहेगा तो उसको हीट देना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, और एक्वस सॉल्यूशन में रहे तो कोई हीट देने, वाटर ही उसको ब्रेक कर देगा, वाटर उसको ब्रेक कर देगा, राइट ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम मोल्टन स्टेट वाला ही पहले सिंपल ले लें, मोल्टन स्टेट वाला सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। अब क्या हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएगा, यहां पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड ऑक्स, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रेड कैट ठीक। सॉल्यूशन में क्या आ गया है सोडियम प्लस और सीएल माइनस, मोल्टन स्टेट वाला लिए ठीक। अब एनोड पे कौन आएगा, यहां प्लस साइन है तो एनायन आएंगे, नेगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सीएल को सीएल माइनस को अट्रैक्ट करेगा, कहां पर एनोड पर, और कैथोड पे ये माइनस चार्ज है तो प्लस कैटायन वाला सब कैथोड पे चला जाएगा। अब देख लेते हैं क्या वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो हो रहा है कि नहीं, खाली जाने से तो नहीं, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सीएल माइनस, सीएल माइनस कहां जा रहा है कैथोड पे जा रहा है ठीक है। अब ध्यान से देखिए करंट इधर आ रहा है, यही है ना लॉजिक, तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, ये जो एनायन एनोड पे गया है ध्यान से समझने का है, ये क्या करेगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइनस वन है नेगेटिव है, तो यानी इसको बढ़ना होगा इधर तभी ऑक्सीडेशन होगा, यानी सीएल ये देगा, सीएल क्या हो गया माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इधर इलेक्ट्रॉन लूज भी हो गया। अच्छा सीएल सिंपली एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो टू सीएल करके सीएल टू, यानी सीएल टू गैस यहां पर निकलेगा, ये देखिए रिएक्शन स्टार्ट, सीएल टू गैस बना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना, करंट ऑपोजिट एक्शन में, करंट हम जाने इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये अपने समझने के लिए सूचित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस पे गया, ये गया कहां, ये इलेक्ट्रॉन जाकर फिर इधर आ जाएगा, करंट इसके ऑपोजिट एक्शन में जा रहा है, राइट। तो क्या देखे हम सीएल माइनस जो सोडियम क्लोराइड अपने आप नहीं कर सकता था, इधर से करंट आया ठीक है, ये क्या किया इधर से सीएल माइनस सीएल टू गैस बना दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, और सोडियम प्लस क्या करेगा कैथोड पर जाकर अट्रैक्ट होगा, तो सोडियम प्लस को इलेक्ट्रॉन किधर से मिल जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां निकला है ना, एक की बात करिए, दो इलेक्ट्रॉन इधर आया ये सोडियम को दे देगा, सोडियम को दे देगा, तो ये क्या हो गया सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम बना दिया, दो इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस कर दो, यानी एक मोल सोडियम मुझे चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन मोल की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पे क्या देखे भाई, ये देखो रिडक्शन हो रहा है, ये भी चेक कर लो, प्लस वन से जीरो गया रिडक्शन, कंडीशन सेटिस्फाई, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इस तरह से
सोडियम भी बन गया और क्लोरीन गैस भी निकल गया। तो यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, केमिकल रिएक्शन को कराया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट देकर, इलेक्ट्रिक करंट देकर, राइट बेटे। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट एक जो कि हम लोग समझे हैं। उसके बाद इसमें ये थ्योरी टाइप से है कि भाई जो इलेक्ट्रोड पर बन रहा है प्रोडक्ट, जैसे यहाँ सोडियम बना क्लोरीन बना, ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो भाई पहला तो किस तरह का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो इस पर डिपेंड करेगा, इनर्ट ले रहे हो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो, एक पैरामीटर डिपेंड किया। फिर दूसरा मोल्टन स्टेट ले रहे हो कि एक्वस ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट, उस पर भी डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। और थर्ड यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही तीन कंडीशन है। जो इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट बना क्लोरीन और सोडियम किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेंगे, किस पर डिपेंड करेंगे, आप कैसा इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर रहे हो, इनर्ट की एक्टिव। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का ले रहे हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कि एक्वस वाला ले रहे हैं, इसी पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। ये सब थ्री टाइप के हैं, चीज़ों को समझना जरूरी है। तो ये रिएक्शन जानना भी जरूरी है। आपका क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, दे देगा सोडियम को लाइट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम बना, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन गैस बना। उसी तरह से मान लीजिए आप सोडियम को लाइट के जगह पर दूसरा कंसीडर कर ले हम लोग, तो इसमें यही पूछेगा अभी तत्काल जो अभी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इलेक्ट्रोड पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड के जगह पर एक मैग्नीशियम लास्ट करेंगे, उसके बाद कल इसको फिर स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड कंसिडर किए उसी तरह से मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी सॉल्ट है, ठीक है, MgBr2। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पहले हम एनोड वाला को देखेंगे। ये थोड़ा सा चलाकी ये सब करना है कि एनोड पे पहले देखेंगे कौन जाएगा, एनोड वाला रिएक्शन को लिख लेंगे तब कैथोड वाले को लिखेंगे। थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन चाहे आसानी हो जाती है। तो अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, यदि हम मोल्टन लेते हैं तो उसको हीट करना पड़ेगा, मोल्टन लेते हैं तो हीट करना पड़ेगा, हीट करके ये क्या दे देगा भाई, Mg, हीट करने पर Mg प्लस Br माइनस 2Br निकला, ठीक है, Mg प्लस और मैग्नीशियम का कैटायन प्लस 2 हो जाता है। अब यहां पर पहले एनोड की बात करेंगे, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एनोड पर कौन जाएगा भाई, एनायन जाएंगे। एनोड पर कौन जाएगा, एनायन इसमें जो होगा, इसमें एनायन बोरमीन है, बोरमीन क्या करेगा, आ गया यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, रिडक्शन ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज, तो ये Br2 बनाया और दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये रिएक्शन हो गया, बोरमीन गैस होता है, यानी एनोड पर क्या बन गया, बोरमीन गैस। और कैथोड पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है Mg प्लस 2, यहाँ रिडक्शन होना है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर मैग्नीशियम सॉल्ट, यहाँ पर मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया रहेगा, कैथोड पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, एनोड पर क्या बनेगा, इस तरह के पहले बेसिक चीज़ें। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, कल आगे देखेंगे, जब एक्वस रहेगा तब क्या होगा, एक्वस में इलेक्ट्रो जो सीरीज पर है उसको वहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी फिर कल हम लोग इस पर करेंगे, ठीक है बेटे।